चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जहां चेन्नई सुपर किंग्स लगातार मैचेस हार रही है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लगातार मैचेस जीत रही है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट एकेडमी का जो मैदान है ना, वो कह रहा है जो आज का मैच होगा मैं तय करूंगा कैसे चलेगा। दोस्तों यही तो होता है ना, जो 22 गज की पट्टी होती है वही तो बताती है जो मैच होगा कैसे चलेगा, बिहेवियर क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, उसी के हिसाब से मैच चलता है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं, जो आज का मैच होगा हाई स्कोरिंग होगा, मीडियम स्कोरिंग होगा, कितना स्कोर बनेगा, क्या स्कोर नहीं बनेगा, कौन से गेंदबाज विकेट लेगा, कौन से बल्लेबाज रन बनाएगा, कौन सी टीम यहाँ के मैदान पे बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जीतेगी आज का मैच, यही सारी चीज़ें जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत जरूरी होता है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक फैमिली का हिस्सा नहीं बने, आपको IPL में फायदे में नहीं रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आप सभी का वेलकम है। सभी लोग मिलकर करते हैं वीडियो को लाइक। जब आप लाइक करते हैं ना, यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपको भाई टेलीग्राम पर आपके फायदे के लिए जान लगा देता है जान। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया, बहुत ही ज्यादा फायदे में। आपने ज्वाइन नहीं किया, आप कहीं ना कहीं बड़े बड़े फायदे मिस कर रहे हो। ऐसा करो, अगर आपको पूरे IPL में फायदे में रहना है ना, तो मेरा टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर डालो। जिन लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत ही ज्यादा फायदे में है। आप सोच रहे होंगे, अच्छा ऐसा क्या है तेरे टेलीग्राम पर, तो मेरी मत मानो, अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। IPL के 4-5 मैचों में मेरे साथ काम करो, आपको इतना फायदा होगा। आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई। IPL के सभी मैचों में फायदे में रहना है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। बस एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान, क्योंकि मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए। और आपको पता है, जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा होगा। सही जगह कैसे आएंगे, आपको इधर उधर और कहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा होगा। तो भाई लोग, अगर हम इस मैच की बात करें, ट्यूजडे 12 अप्रैल इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं और यह मुकाबला खेला जाएगा डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट एकेडमी मुंबई में। अगर हम इस मैदान पे बात करें तो RCB ने 4 मैच खेला, 2 जीते 2 हारे, CSK ने 4 मैच खेला है, 2 जीते 2 हारे, मतलब दोनों टीमों की जो कहानी है यहाँ के मैदान पे बिल्कुल सेम है। अगर RCB वर्सेज CSK की बात करें तो ये दोनों टीमें इस मैदान पे पहली बार आमने सामने होगी, तो देखने वाली बात होगी बाजी किसके नाम पे जाएगी, देखने वाली बात क्या होगी। चलो अब हम ना यही देखते हैं, सबसे पहले पिच का बिहेवियर एंड कंडीशन देखते हैं, इससे ये पता चल जाएगा जो आज का मैच होगा कैसे चलेगा। बस आपको ना यहाँ पे सारी चीजें को ध्यान से देखना और ध्यान से सारी चीजों को समझना है। तो डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट एकेडमी मुंबई में अभी तक IPL के 23 मैच खेलेगा, जिसमें से टारगेट डिफेंड हुआ 9 मैच में, टारगेट चेज हुआ 14 मैच में, यानी ज्यादातर मैचों में क्या होता है, टारगेट चेज होता है। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 165/165 रन, टारगेट चेज की बात करें 161/161 से नीचे स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में, टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 177 प्लस स्कोर बनेगा 10 मैच में से 8 मैच में, टारगेट डिफेंड हो सकता है 161/177 के बीच में स्कोर होगा। आप समझ जाना, मामला बराबरी का, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, कोई और नहीं बताएगा, आप सर्च करके देख लो। हाईस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 205 रन, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 82 ऑल आउट, जो कि डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के नाम पर है। दोस्तों इस मैदान पर जो हाइस्ट टोटल चेज हुआ 205 रन, जिसे पंजाब किंग्स ने RCB के सामने IPL 2022 में किया। लोएस्ट टोटल डिफेंड की बात करें 142, जिसे CSK ने डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के सामने IPL 2010 में किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हाईएस्ट टोटल है वो चेज भी हुआ, लोएस्ट टोटल डिफेंड भी हुआ। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे फर्स्ट इनिंग में 9 बार स्कोर बन चुका, 150 से 169 के बीच में फर्स्ट इनिंग में 8 बार स्कोर बन चुका, 170 से 189 के बीच में फर्स्ट इनिंग में 3 बार स्कोर बन चुका, 190 ऐसे ज्यादा फर्स्ट इनिंग में 3 बार स्कोर बना है। तो स्कोरिंग पैटर्न देखने के बाद क्या लग रहा है, यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होते, आपको मीडियम स्कोरिंग या फिर लो स्कोरिंग मैचेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, हाई स्कोरिंग एक आता मैच हो जाता है। अगर हम आज के मैच की बात करें तो पावर प्ले में 42 से 46 के बीच में स्कोर बन सकता है। वहीं 220 ओवर की बात करें तो आपको यहां पर ना 160 से 180 के बीच में स्कोर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां की जो पिच है ना वो अब थक चुकी है, जिसकी वजह से पिच स्लो हो चुका है, यानी कंडीशन स्लो हो गई। जो बॉल होता है ना अब थोड़ा सा रुक के आता है, जो स्पिनर गेंदबाज होते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलने लगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ड्यू आ सकती है, जब ड्यू आएगी तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी थोड़ा सा आसान हो जाएगी, मतलब जो टीम चेज करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रह सकते हैं। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 54 से 75 मीटर की एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है, तो बल्लेबाज
बाद इस चीज का टारगेट उठा सकते हैं, लेकिन जो मैच होगा ना वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि बैलेंसिंग पिच है, थोड़ा बहुत गेंदबाजों के लिए भी है और बल्लेबाज संभल के खेलते हैं तो वो भी बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ के मैदान पर कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जीतेगी आज का मैच, चलो अब हम ना यही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसके की, जिन्होंने अभी तक 4 मैच खेला, एक भी नहीं जीते, सारे मैच हार गए। अगर हम इस मैच में चेंजेस की बात करें तो महेश थिक्सिना के जगह पर ट्वेंट पिटोरियस की वापसी हो सकती है, बाकी जो इनकी प्लेइंग 11 से बिल्कुल सेम रह सकती है। दोस्तों आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने 4 मैच खेला, 3 जीता 1 हारा, इनके 6 पॉइंट्स है, आरसीबी के लिए बढ़िया चल रहा है। इस मैच में चेंजेस की बात करें तो हर्षल पटेल की जगह पे चामा भी मिलिंद डेब्यू करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि हर्षल पटेल की बहन की डेथ हो गई थी इसलिए वो टीम को छोड़ के जा चुके हैं, तो ऊपर वाला हर्षल पटेल की फैमिली को हिम्मत दे, सब्र दे, हम उनके साथ हैं। तो दोस्तों ये एक चेंज हो सकता है आरसीबी के खेमे में। अगर इस पिच पे परफॉर्मेंस की बात करें तो जो सीएसके की बल्लेबाजी है उनको शुरुआत तो अच्छी मिल रही है, टॉप ऑर्डर को छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ और रोबिन उथप्पा को छोड़कर बाकी के बल्लेबाजों को शुरुआत अच्छी मिल रही है, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और यहाँ के पिच की बात करें तो बैटिंग के लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन सामने है आरसीबी के गेंदबाजी जिसमें हर्षल पटेल है नहीं, सिराज बढ़िया करने रहे हैं। तो बात करें यहाँ पर वानंडू हसरंगा, डेविड बिली और पिछले मैच में आकाशदीप ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, तो उतनी खास गेंदबाजी नजर नहीं आ रही, तो सीएसके इस चीज का फायदा उठा के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता है। वहीं अगर हम इनके गेंदबाजी की बात करें तो जो सीएसके के गेंदबाजी है ड्वेन पेटोरियस और ड्वेन ब्रावो, ये दोनों बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बाकी जो गेंदबाज है वो महंगे साबित हो रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ का जो पिच है लेकिन गेंदबाजों के लिए बढ़िया, लेकिन सामने जो है वो आरसीबी की बल्लेबाजी है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लय में है, तो इनके लिए मुश्किल हो सकता है सीएसके के गेंदबाजों के लिए। मैं दोस्तों आरसीबी की बात करें, अभी तो मैंने बताया जो इनकी बल्लेबाजी है ना भाई साहब बहुत अच्छी चल रही, फाफडू प्लेसिस हालांकि शुरुआत थोड़ा स्लो कर रहे हैं, अनुज रावत का लगा था कि ये बल्लेबाज चल नहीं पाएगा लेकिन पिछले मैच में दिखाया कि अनुज रावत के अंदर क्या काबिलियत है। बाकी विराट कोहली रन मशीन है यार, हर जगह वो तो रन बनाएगा। ग्लेन मैक्सवेल भी आ गए, T20 का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, डीके और शहबाज अहमद क्या गजब के फिनिश कर रहे हैं, तो इनकी जो बल्लेबाजी है वो बढ़िया चल रही है। हालांकि यहाँ का जो पिच है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सामने है सीएसके की गेंदबाजी जो कि बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो ये भी ना ताबड़तोड़ धूम धमाका कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें फर्क तो पड़ेगा, हर्षल पटेल के जाने के बाद आरसीबी को फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि सिराज बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, डेविड बिली वानंडू हसंगा बढ़िया गेंदबाजी करें, आकाशदीप की बात करें तो पिछले मैच को छोड़कर उससे पहले ये भी फ्लॉप रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो पिच है ना गेंदबाजों के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करता है, सीएसके की जो बल्लेबाजी ना उतनी कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो इस चीज का फायदा उठा के आरसीबी के जो गेंदबाज है ना खतरनाक गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि जो सीएसके की बल्लेबाजी मानता हूं उतने कॉन्फिडेंस में नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बल्लेबाजी कभी भी रंग में आएंगे तो इनका रंग भी बदल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में जो आरसीबी की टीम है वो बढ़िया नजर आ रही है, और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में दोनों टीमें बराबरी पे नजर आ रही, इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच है ना आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब नहीं हुआ कि सीएसके ये मैच नहीं जीत सकता या आरसीबी ये मैच हारेगा, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, सीएसके के कम है। बाकी अगर आपको फाइनल प्रेडिक्शन चाहिए तो जो मेरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो होगी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको फाइनल प्रेडिक्शन दे रखी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैंटास्टिक क्रिकेट की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बल्लेबाजों की बात करते हैं। बल्लेबाजों में ऋतुराज गायकवाड़ 10 मैच 291 रन बना चुके हैं, लेकिन इसी अभी तक इनका बल्ला नहीं चला, आउट ऑफ फॉर्म में, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ऋतुराज गायकवाड़ बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। रॉबिन उथप्पा 8 मैच 221 रन, पिछले सीजन बहुत अच्छा खेला था, इस सीजन एक मैच में बढ़िया पारी आई थी लेकिन उसके बाद ये भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन रॉबिन उथप्पा आज के मैच में 40-45 रन मार सकते हैं, तो इन्हें अपनी टीम में जरूर रखें। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें 7 मैच 277 रन, ग्लेन मैक्सवेल T20 के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी करेंगे एक आध दो ओवर, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें क्योंकि बल्ले और गेंद दोनों जगह से ये पॉइंट्स दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली को देख सकते हैं, विराट कोहली 10 मैच 255 रन, बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पिछले मैच में बढ़िया पारी भी आई थी, उससे पहले एक मैच में बढ़िया पारी आई थी, तो विराट कोहली अच्छा खेल रहा है और सीएसके की जो टीम है विराट कोहली को बहुत ही ज्यादा पसंद है, 962 रन बना चुके हैं सीएसके के सामने, तो विराट कोहली आज के मैच में बढ़िया कर सकते हैं, इनको अपनी टीम में जरूर रखें। फाफडू प्लेसिस 4 मैच 138 रन, जब सीएसके के लिए खेलते थे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, आरसीबी के लिए खेले तब भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और सीएसके की टीम को फाफडू प्लेसिस बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फाफडू प्लेसिस अपने लिए बढ़िया हो सकते हैं, इनको अपनी टीम में जरूर रखें। एमएस धोनी 748 रन बना चुके हैं आरसीबी के सामने, यानी धोनी को आरसीबी की जो टीम है बहुत ही ज्यादा भाती है, तो धोनी को अपनी टीम में जरूर रखें क्योंकि धोनी का बल्ला चलेगा, धोनी बल्लेबाजी करने आएंगे तो रन मारेंगे ही मारेंगे, हम कहेंगे माही मार रहा है, तो धोनी को अपनी टीम में जरूर रखें। अंबाती रायडू 298 रन बना चुके हैं आरसीबी के सामने, अंबाती रायडू का भी जो आरसीबी के सामने बल्ला है वो चलता है, तो अंबाती रायडू भी आज के मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे गेंदबाजों की बात करें तो ड्वेन ब्रावो 9 मैच में 11 विकेट चटका चुके हैं, जो करंट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और आरसीबी के सामने 16 विकेट चटका चुके हैं, तो ड्वेन ब्रावो को भी अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि बढ़िया कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा 10 मैच 7 विकेट और आरसीबी के सामने 15 विकेट चटका चुके हैं, तो आप यहां पर
पर रविंद्र जडेजा को भी देख सकते हैं, क्योंकि जडेजा बढ़िया गेंदबाजी तो नहीं कर पा रहे लेकिन आरसीबी की जो टीम है इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आज के मैच में जडेजा बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं। वानंडू हसरंगा ने 4 मैच खेला, 8 विकेट चटकाए, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं वानंडू हसरंगा। ये आपको गेंद से पॉइंट्स देने ही देने हैं, 2-3 विकेट निकाल के, इसके अलावा बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो ये वहां पे भी हाथ दिखाएंगे, रन बनाएंगे, तो वानंडू हसरंगा को अपनी टीम में जरूर रखें। तो भाई लोग ये वो प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है, आप इनके साथ अपनी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बना सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो ये रही माई 11 सर्कल की टीम। दोस्तों ये जो मैंने टीम बनाई है ना, बहुत एनालिसिस करने के बाद बनाई है, अगर वो सारी एनालिसिस वीडियो में करने लग जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, मैं थक जाऊंगा, इसलिए सारी एनालिसिस मैंने पहले कर ली, बस आपको माई 11 सर्कल की टीम बना के दी। दोस्तों ये माई 11 सर्कल की टीम क्यों, क्योंकि दोस्तों माई 11 सर्कल पे ना आपको 1,00,000 का फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है। उसके लिए आपको करना क्या, डिस्क्रिप्शन में जाना है, माई 11 सर्कल के लिंक मिलेगी, डाउनलोड करना है, मेरा कूपन कोड YT2022 यूज करना है, आपको जो 1,00,000 का फ्री वाला गिव्वे है वो मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों 49 रुपए की टीम बनाए, 1 करोड़ पहला प्राइज पाए जो कि माई 11 सर्कल पे मिलता है, और कहीं आपको नहीं मिलता। BBS लक्ष्मण की टीम को यहाँ पे हरा के 5 गुना एक्स्ट्रा कैश विन कर सकते हैं, जो भी पहला डिपोजिट करेंगे आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, मतलब अगर आप 1,000 रुपए डिपोजिट करेंगे तो आपको 1,200 रुपए मिलेगा। तो जब इतना सारा कुछ मिल रहा है तो माई 11 सर्कल पे क्यों ना खेलना, इसके लिए आपको करना क्या, बस डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको माई 11 सर्कल के लिंक, वहां से करें डाउनलोड, YT2022 मेरा कूपन कोड यूज करें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा जिसको ड्रीम 11 की टीम चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो, मैच स्टार्ट होने के 20-25 मिनट पहले आपको ड्रीम 11 की 4-5 टीम मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान, मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए और आपको पता जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा होगा, तो सही जगह कैसे आएंगे, बस जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच प्रीव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।